जनता जब एक हो जाती है तो उसके सामने क्रूर से क्रूर शासन भी नहीं टिकता। नमस्कार, मैं शिखा, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। देश का भविष्य एक बार फिर अपने हक के लिए सड़कों पर उतर आया है। जी हां, यूपी उपचुनाव के बीच प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन दिन पर दिन तेज होता जा रहा है। सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और छात्रों का वन डे वन शिफ्ट की मांग को लेकर यूपी पीएससी आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन जारी है। बुधवार को प्रदर्शनकारी छात्रों को मनाने के लिए डीएम, कमिश्नर और आयोग के सचिव अशोक कुमार ने उनसे मुलाकात की, लेकिन बात नहीं बनी। वहीं छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने कई छात्रों को जबरदस्ती धरनास्थल से हटा दिया। वहीं छात्रों के प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए अब प्रशासनिक स्तर पर बल का प्रयोग किया जा रहा है। बड़ी संख्या में आंदोलन स्थल पर पुलिस और पीएससी जवानों को तैनात किया गया है। कई प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने प्रदर्शन स्थल से हटा दिया है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है। छात्रों के आंदोलन का आज चौथा दिन है। सुबह से ही प्रदर्शनकारी छात्र और पुलिस के बीच विवाद गहराया हुआ था। सुबह 10:30 बजे के बाद बैरिकेडिंग पर रोके गए छात्र उग्र होने लगे। अचानक ही छात्रों का जत्था बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आयोग की तरफ बढ़ चला, जहां भारी संख्या में पुलिस और पीएससी के जवान तैनात हैं और छात्रों को रोकने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले मंगलवार को छात्रों ने थाली बजाकर आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। साथ ही आयोग के मेन गेट पर कालिक से लूट सेवा आयोग भी लिख दिया। वही मंगलवार रात प्रदर्शनकारी छात्रों ने कैंडल और मोबाइल टॉर्च जलाकर आयोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बुधवार को कुछ छात्र आयोग अध्यक्ष के पोस्टर हाथ में लेकर उन्हें गुमशुदा बताकर उन्हें ढूंढने वालों को 1 रुपया इनाम देने का नारा लगाते दिखे। आपको बता दें कि यूपी लोक सेवा आयोग ने पीएससी प्रीलिम्स 2024 और आरओएआरओ प्रीलिम्स 2023 परीक्षाओं को 2 दिनों में 2 शिफ्ट में आयोजित करने का निर्णय लिया है। आयोग के इस फैसले के खिलाफ यूपी के प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के बाहर 20,000 से ज्यादा प्रतियोगी छात्र सोमवार से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्षी नेता भाजपा सरकार को घेर रहे हैं। यूपी में उपचुनाव 20 नवंबर को हैं। अब यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने छात्रों के प्रोटेस्ट के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की है। कांग्रेस और सपा पर हमला करते हुए चौधरी ने कहा कि इस प्रकार से उपचुनाव की जो भी संभावनाएं तलाश रहे हैं, बच्चे सब समझ रहे हैं, वे किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। वहीं सपा, कांग्रेस और बसपा ने सरकार पर छात्रों से अन्याय करने का आरोप लगाया है। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर करते हुए कुछ घंटे पहले लिखा कि यूपी की अहंकार से भरी भाजपा सरकार लाख कोशिशों के बाद भी आखिर में इलाहाबाद के जुझारू आंदोलनकारी युवक युवतियों के सामने हारेगी और दिखावा ये करेगी कि सब गलती यूपी लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की है। वही खबरें हैं कि सपा मुखिया अखिलेश यादव छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल योगी के नेतृत्व में भाजपा सरकार छात्रों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए संवाद के माध्यम से हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं आयोग के द्वारा पीसीएस प्री की परीक्षा के लिए 7 और 8 दिसंबर की तिथि घोषित की गई है। वहीं आरओएआरओ की प्री की परीक्षा के लिए 22 और 23 दिसंबर की तारीख घोषित की गई है। ऐसे में प्रशासन अब इन छात्रों की मांगों को मानता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।